नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रेंच विधि खेती चैनल पर। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये DSP 1, DSP 2, DSP 3, DSP 4 और DSP 5। तो ये DSP क्या है? ये है DSP दयाल। ये दयाल कंपनी का है और इसमें ये धान के बीज हैं। दयाल कंपनी ने धान के बीज, ये अंडर ट्रायल हैं अभी, और ये दिए हैं हमें लगाने के लिए। एक एकड़ के लिए 5 किलो बीज है ये, एक एक किलो का एक थैला है। और आज इसको भिगो रहे हैं हम, और कल इसकी नर्सरी हम डाल देंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी मार्किंग की हुई है, DSP 1, DSP 2, DSP 3, DSP 4 और DSP 5, पांचों अलग अलग बाल्टी में। और ये जो UPL का साफ है, इससे ट्रीटमेंट करेंगे इसका। तो साथियों, पैकेट हमने खोल लिया है और एक तो ये डाल दिया। ये तो लगभग ऐसा था जैसे तूड़ा, क्योंकि इसके ऊपर ये तूड़ है। देखते हैं आगे इसका रिजल्ट कैसा जमाव है और कितनी पैदावार। और ये दूसरे नंबर पे जो है DSP 2, ये पीला रंग है इसका। ये आ गई जी DSP 3, ये लगभग ऐसा है, 15.09 जैसा लगभग। DSP 4, ये भी पीला है, दाना लंबा है लेकिन इसका रंग पीला है। और ये DSP 5, इसका दाना थोड़ा छोटा है, रंग पीला है और हल्का सा इस पे तूड़ भी है। तो भाइयों, ये परसों हमने भिगोया था और कल पानी में से निकाल के और कट्टे पे डाल के बोरी, गिल्ली बोरी से ढक दिया था, जैसे वो ढका हुआ उधर। और आज ये जड़ चुका है, ये देखिए हल्का हल्का सा जड़ाव आ चुका है इनका। और अब इसकी बुआई करने जा रहे हैं। और ये नंबर है DSP 4, ठीक है भाइयों। यहाँ पे भी कट्टे पे भी लिखा हुआ है 4 नंबर, ताकि बीज मिक्स ना हो। और ये जैसे ये 3 है, तो इसमें भी ये पर्ची डाली हुई है बाहर भी। और ये DSP 1 है, सभी तरीके से अलग अलग नंबर करके डाला हुआ है। जैसे ये कट्टे पे 3 नंबर डाला हुआ है, DSP 3, ठीक है जी भाइयों। ये 16 बान में है और इसको लेके आए थे मेरठ से, सरदार वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी से। और ये जो है ज्यादा जड़ गया कुछ, कोई बात नहीं, अब इसकी बुआई कर देंगे। जा रहे हैं अब बुग्गी में, हमने ये दयाल वाले सब इकट्ठे कर लिए, ठीक है जी। तो भाइयों, बिजाई शुरू कर दी है और ये देखिए 16 बान में DSP 2। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, DSP 1, DSP 2, DSP 3, ये DSP 3 हो गया, ये DSP 4 आ गया इधर, और ये लास्ट में DSP 5। तो ये दयाल वालों की 5 अलग अलग नई किस्में, और उधर उस वाले में 16 बान में, उधर हमने लगाया है 16 बान में। और ये हमारा हो गया 3 एकड़ का, और बाकी 5 एकड़ का जो 16 बान में बीज है उसको उधर लगाएंगे अभी 2 दिन बाद। 2 दिन का गैप रखने का ये फायदा है, क्योंकि बिजली कम आ रही है, वोल्टेज लो है, तो प्योज सारी एकदम नहीं आने की, दबाव नहीं बनने का कि भाई आज ही सारी लगानी है, 2 दिन में सारी लगानी है। अपना धीरे धीरे लगाते रहेंगे, ठीक है भाइयों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।